हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रियल मी नार्जो 10 का जो FRP लॉक है वो बाईपास करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी रियल मी नार्जो 10 फ़ोन है जिसमें कि FRP लॉक लगा हुआ है और आप लोग उस लॉक को इसी तरीके से बाईपास करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है भाई। तो चलिए, यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम स्किप करेंगे तो यहाँ पर स्किप नहीं होगा क्योंकि फ़ोन रिसेट करने के बाद जो है वो FRP लॉक पर रुक जाता है और इस फ़ोन में भी जो है वो FRP लॉक लगा हुआ है। तो चलिए इसको बाईपास करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फ़ोन को जो है किसी भी वाईफाई से आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद आपको जो है वो डायल बैक को यहाँ पे ऑन करना है। तो उसको ऑन करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, दबा के रखना है और यहाँ पे आपको कर लेना है टर्न ऑन, ठीक है। और फिर से एक बार और वॉल्यूम अप डाउन बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना है तो यहाँ पे टेल बैक जो है आपका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एल बनाना जैसे मैंने बनाया और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे यूज़ वॉइस कमांड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हो नहीं रहा है फिलहाल तो डबल क्लिक करना है, आपको हो गया। जैसे ही यहाँ पे ये अब आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट, असिस्टेंट ओपन हो गया। आप जल्दी से आपको बोल देना है ओपन यूट्यूब, तो आपका यूट्यूब जो है वो यहाँ पे ओपन हो के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टेल बैक को ऑफ़ करना है तो वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन को एक साथ दबा के रखना है तो टेल बैक जो है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप अलो कर लोगे, होम पे जाएंगे नीचे और ऊपर जाके सर्च कर लेंगे VN रोम। इतना सर्च कर लेना, फर्स्ट पे उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है और चले जाएंगे सबसे नीचे। यहाँ पे एक बार आपका मॉडल नंबर इसका चेक करा देता हूँ, एंड्रॉयड वर्जन चेक कर लो, एंड्रॉयड 11 रियलमी नार्जो 10, ठीक है। चलिए बैक करते हैं। अब आपको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग पे जाना है, ठीक है। नीचे जाएंगे, बैकअप एंड रीसेट पे जाएंगे और नीचे एरर्स ऑल डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, आपको उस पर क्लिक करके जो है इस फ़ोन की जो रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली रीसेट कर लेना है। चलिए हो चुका है। अब आपको करना है एरर्स ऑल डाटा पे क्लिक, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे और फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो फ़ोन जो वो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट होगा और इसको कंप्लीट ऑन होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है और मैंने इस वीडियो को जो है यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है भाई। वीडियो को पूरा देखना है, एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। अगर आप लोग वीडियो को अगर भगा भगा के देखोगे और एक भी पार्ट अगर मिस कर दोगे तो शायद आप लोग जो है वो रियलमी नार्जो 10 फ़ोन का FRP लॉक जो है वो बाईपास नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोग के जो है वो बाद में कमेंट आते हैं भाई नहीं हुआ नहीं हुआ। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा सही तरीके से ध्यान से देखते नहीं हैं और उसी वजह से वो लोग फ़ोन का जो FRP लॉक बाईपास नहीं कर पाते। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है, इजी तरीके से लॉक बाईपास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन ऑन भी हो चुका है और फ़ोन को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ तो लॉक जो है इसी तरीके से बाईपास हो चुका है। और वीडियो को भाई लोग अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं मॉडल नंबर वगैरह आपको चेक करा दिया। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।